आपने देखा कहीं कुंवर जगमाल को? कुंवर जगमाल, अरे वाह, अब भला ये भी कोई बात हुई। हमारे आने के पहले ही सो गई आप। ये है पति का महत्व। ठीक है, ये है तो यही सही। पति का कोई महत्व ही नहीं है। कुंवर प्रताप, ठीक है, जैसे कलांतर में कुंभकर्ण था वैसी हमारी पत्नी है। ठीक है, यही सोचकर सो जाएंगे। क्या जगमाल, कुंवर जगमाल, कहां थे आप? कहां नहीं ढूंढा हमने आपको। कुंवर जगमाल, हम जानते हैं कि भोजन के समय जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, परंतु हम क्या करते, हमारे लिए भी वो सब कुछ अप्रत्याशित था। कुंवर जगमाल, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा निर्णय। तो आप क्या आस लगाए बैठी थी कि आपके पति आपके पुत्र को युवराज घोषित कर दें? ये क्या है आपके हाथ में? क्या है आपके हाथ में कुंवर जगमाल? ये एक नया अस्त्र है, बंदूक कहते हैं इसे। कम से कम कुछ नहीं तो मानसिक संतुष्ट तो देगा ही हमें। चोट लग जाएगी आपको कुंवर जगमाल। जितनी चोट आपने हमें पहुंचाई है ना रानी माँ, उतनी ये क्या पहुंचाएगी? हम कैसे चोट पहुंचाएंगे आपको कुंवर जगमाल? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अपने पुत्र से अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं हम। आप जानती थी कि कुंवर प्रताप के रहते राणा उदय सिंह हमें कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, फिर भी आपने उन्हें जीवित रहने दिया। क्या किया आपने? हाँ, क्या किया? वर्षों से ये विजय चूर्ण उनके पान में डालते आई आप, और वो भी थोड़ा थोड़ा। ये तो हम पूरा मुट्ठी भर के खा सकते हैं। सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आप तो व्यर्थ में इधर उधर तीर चलाती रहती हैं, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि सीधा ऊपर पहुंचा देना चाहिए था राणा उदय सिंह को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंतु आज हम समझ चुके हैं कि आप अपने पुत्र से ज्यादा उनसे प्रेम करती हैं, राणा उदय सिंह से। पागल हो गए आप कुंवर जगमाल। हाँ पागल हो गए हम, पागल। लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने रानी माँ, आपने। कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन के कान बढ़ गए थे हमारे, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। कुंवर जगमाल, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस चमत्कारी अस्त्र जिसे बंदूक कहते हैं, इससे पूरे राज परिवार को खत्म कर देंगे। और जब कोई बचेगा ही नहीं तो फिर हमें तो बनना पड़ेगा ना मेवाड़ नरेश, क्योंकि मेवाड़ का राज सिंहासन तो रिक्त नहीं रह सकता ना। नहीं कुंवर जगमाल, सही कह रहे हैं आप सबको मारना चाहते हैं ना राजमहल में, हम मार देंगे, परंतु एक एक करके ना, योजना बना के। नहीं, अब कोई योजना नहीं, क्योंकि आपकी तो सारी योजना असफल होती है, इसीलिए अब हम पूरे राज परिवार को समाप्त करेंगे और आप भी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा, हम कुंभकर्ण। हाँ, आप कुंभकर्ण। और आप कौन, जो किस समय अपने शयन कक्ष में आने का? आपको पता है हमने आपकी कितनी प्रतीक्षा की, और आपने कुछ ही प्रयासों के बाद हार भी मान ली। और क्या नाम दिया आपने हमें? वाह कुंभकर्ण। हमने कुछ पर प्रयास किया, हम तो कब से प्रयास कर रहे थे, पर आपकी निद्रा स्वांग जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ऐसा कितना समय लगा दिया आपने हमें जगाने के लिए, और स्वयं को ही पर्याप्त मान लिया आपने, जबकि आप कितना समय देते अपने राजनीतिक मंत्रणाओं को, कितना समय देते अपने शासकीय समस्याओं को। अगर आपकी सेना में किसी सैनिक को कवच थोड़ा सा भी चुभ रहा हो ना, तो आप घंटों लगा देते उसके कवच को ठीक कराने में, और अपने पत्नी के लिए इतना सधैर्य। अच्छा, ठीक है, आपकी बात समझ गए। अब हम आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे, पूरा ध्यान, पूरा समय बस आपके लिए। इसका भी पता चल जाएगा अभी, सारा समय सारा ध्यान बस आपका। हे भगवान, मुगल कहाँ है? मुगल सारा समय सारा ध्यान आपका। आपके वचन तो एकदम कच्चे निकले कुंवर प्रताप। अच्छा, हमसे ही प्रयास कर रही थी। छोड़ना आपको बिजोलिया वापस। क्यों? फिर से एक बार हमारे लिए उपहार एकत्रित करना आरंभ करना चाहते हैं आप? तो हमारे पूरे कक्ष की छानबीन की आपने? कक्ष की नहीं, आपके मन की, से किसी की भावनाओं को आप बाहर नहीं जाने देते। इतना प्रेम भला कोई मन में कैसे छुपा सकता है? हमारे मन और कक्ष में छानबीन करने का अपराध किया है आपने, स्वीकार कीजिए। अब स्वीकार कीजिए उसका दंड। हमने हमेशा आपका साथ दिया है ना, हर योजना में दिया है, तो फिर इस योजना में भी देंगे ना आपका साथ। नहीं रानी माँ, बस रानी माँ, अब किसी काम की नहीं है, बल्कि आपने तो हमेशा हमें सही करने से रोका है, इसलिए इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि क्या कुंवर जगमाल राज परिवार का मारने का शुभारंभ। को मार देंगे। काजीराज, प्रताप, मान, जान, अजबते और आप। हमें मारेंगे आप? हम तो आपके सब कुछ है ना कुंवर जगमाल। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों के साथ। यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ छल किया है तो मार दीजिए वीरात्मा को, मार दीजिए, मारिए कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप की जय, 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 कैसा सर था? हमें लग रहा है बंदूक की आवाज थी। एक लिंग जी, राजीराज ठीक हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अब यही कक्ष में रहिए, हम भी आते हैं। हम भी आपके साथ आएंगे, चलिए। चला दी। और यदि तुरंत ही आप नहीं मरी ना तो हम फिर से चलाएंगे आप पे बंदूक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। देखिए हम अभी उठेंगे, एक दूसरा क्योंकि आप सदा के लिए अपनी चीर निंद्रा में डूबने वाली। ऐसे नहीं बोलते। अरे रानी माँ, कुंवर जगमाल, नहीं तो आप फिर से बंदूक चला देंगे आप पे। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप, शीघ्र चलिए। चलते एक लीजिए, ताजीराज ठीक हो? अभी हमने कोई भयानक हाँ ये अब आपकी बारी मान। क्या है आप क्या और हम ये क्या कर रहे हैं? दादा नहीं मान, रुको, अब तो तुम्हारी बारी है। बहुत आनंद आएगा मान, रुको, रानी माँ की बात सुनो। दूसरी बार वही स्वर। रानी माँ छोड़िए हमें, हमें जाने दीजिए। अभी हमें सबको मौत के घाट उतारना है, छोड़ दीजिए हमें, छोड़िए। मान, मान, राजी आप, रानी माँ। भाग रही है बहन मान, आज तो आपका मृत्यु दिवस है, तो फिर क्यों भाग रही है इस सच से? देखिए, अपने दादा भाई के लिए एक खड़ी और कठिन मत कीजिए, हंसते हंसते लगा लीजिए मृत्यु को अपने गले। और वैसे भी आज तो सबका मृत्यु दिवस है, आप अकेली थोड़ी ना मर रही हैं। क्यों ना मान 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 मान, दरवाजा खोलिए मान, मान। मान, ये कैसा बचपन है मान? अपने दादा भाई पे थोड़ी तो दया कीजिए, एक अर्थहीन जान ही तो मांग रहे हैं ना आपसे। खोलिए ना द्वार, मान हमारा विश्वास कीजिए, आपको रानी माँ की तरह भी पीड़ा से छटपटाना नहीं पड़ेगा मान। दरवाजा खोलिए मान, मान खोलिए ना मान, दरवाजा खोलिए ना मान, मान मान खोलिए द्वार मान। ये कौन आ रहा है? हमारी प्यारी बहना, लगता है आपसे पहले हमें एक और शिकार मिल रहा है, लेकिन आप घबराना मत क्योंकि हम शीघ्र ही आएंगे आपके पास वापस। जाके चांद और मान को देखे, तब तुम दादाजी को देखते हैं। जाइए दादा भाई, भाऊजी एकलिंग जी, न जाने किसी गोली लगी होगी। से जानते हैं वहां कोई तो है। कौन है? कुंवर जगमाल अब यहां क्या कर रहे हैं? कुंवर जगमाल अब यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना दादा भाई, तब सब यही छुपके बैठे। बहुत डर लग रहा है। अब आप सुरक्षित हैं, आप यहीं रुकिए, हम दादी आज को देख कर आते हैं। हाँ दादा भाई यहीं रुकिए। दादा भाई इससे पहले कि हम संकट में पड़ जाए हमें शीघ्र इस बंदूक को कहीं छुपाना होगा। सिपाहियों कहां है सारे सुरक्षाकर्मी? कहां है? राणा जी के निजी सुरक्षाकर्मी यहां उपस्थित क्यों नहीं थे? इस समय उनका कक्ष इतना असुरक्षित क्यों है, जबकि रात के इस समय सर्वाधिक सतर्क सुरक्षा होनी चाहिए थी? उत्तर दीजिए हमारा, कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे आने पर आप सभी आए। चुप क्यों है आप? उत्तर दीजिए हमारा। बाबूजी राज मेवाड़ नाथ ग्वालियर से आए अतिथियों के साथ कुंबलगढ़ गए हैं। एकलिंग जी और राहुल जी कहाँ है? वो भी उनके साथ कुंबलगढ़ गए हैं। दादा भाई मैं बचाओ दादा भाई। बताओ शीघ्र बुलाइए। जाइए मोड़। इतने निकट थे अपने लक्ष्य से, इतने फिर भी गोली नहीं चली हमसे। थरथरी उठ गई थी पूरे बदन में, पता नहीं क्यों हाथ कांपने लगे हमारे। भाई का घोड़ा डरा के रख दिया हमें, प्राण ही निकाल लिए थे हमारे। मान मान आपको कुछ होता है? बिल्कुल ठीक है, बात क्या है, क्या हुआ मान? बताइए हमें, इतनी घबराई भी क्यों है आप? अब आपकी बारी मान। मान! कुछ दादा भाई। मान कैसे कोई बात नहीं है, आप अपने कक्ष में थर थर कांप रही थी। हमने बंदूक की गोली का स्वर सुना इसलिए अब बहुत भयभीत हो गए। पर अब सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं है दादा भाई, गोली लगी है। छोटी माँ तो कुलदेव जी की दर्शन यात्रा के लिए गई है ना? मेरे पापी छोटे हमारे 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 कहाँ है रानी माँ? दादा भाई जगमाल के कक्ष। आप जानती है ना रानी माँ, हमेशा नहीं कर सकते। आपकी गलती नहीं बेटा, हमसे गलती हो गई। नहीं रानी माँ नहीं, ये हमारी गलती है। हमें नहीं पता था कि इस महल में आपका भी कोई हाथ हो सकता। कुछ नहीं होगा आपको। कुंवर जगमाल हमारी आवश्यक पे कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा। छोटी माँ, छोटी माँ मान जाके वैद्य को बुला लाइए। हम मरना नहीं चाहते। हमने कहा जाके वैद्य को बुला लाइए, चाहिए। कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, हमें इनके रथ के भाव को रोकना है। हम चाहते हैं वैद्य को बुलाने। नहीं आ सकते, अभी नहीं रही। परंतु कुंवर प्रताप, ये प्राथमिक चिकित्सा अगर स्वयं कर ले तो उचित होगा, क्योंकि हमारे हाथ तो कांपने वाले। अजब दे, आप जाके एक स्वच्छ वस्त्र ले लाइए। कुछ नहीं होगा रानी माँ आपको, कुछ नहीं होगा। अनवा कुछ नहीं होगा आपको, अब है ना। अजब दे, आपको इनके रक्त के भाव को रोकना है। जब तक वैद्य नहीं आ जाते, हमें कुछ से कुछ तो करना ही होगा। आइए आइए, औषधि कहाँ है? ये क्या कर रही हैं आप? आपको इनके रक्त के बहाव को रोकना है। अजबदे, क्या कर रही हैं? रक्त के बहाव को रोकना है। रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। अजबदे, ये लीजिए स्वच्छ वस्त्र। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या हो गया रानी माँ? दादा, रानी माँ नहीं बचेगी दादा। आप सब हैं, हम सब भी हैं। ये दुरानी माँ को कुछ नहीं होगा। दादा, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। स्तब्ध तो हम तब होंगे जब ये स्त्री सच बोलने के लिए जीवित बचेगी। ये सब लोग छोड़ क्यों नहीं देते इन्हें चुपचाप मरने के लिए? दादा भाई, कुछ कीजिए दादा भाई। दादा भाई, क्या हो गया रानी माँ को? दादा भाई, क्या हो गया दादा भाई? रानी भाई, क्या हो गया दादा भाई? रानी माँ को दादा भाई बचा लीजिए। दादा भाई, बेटा, ये रही हमारी रानी। माँ घनी बच्ची, हमारी रानी माँ को बचा लीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सब बाहर जाइए। माँ, चलिए यहाँ से। वैद्य जी को अपना काम करने दीजिए, चलिए यहाँ से। क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं आपकी सहायता के लिए? हाँ जी। कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप हमारे सैनिकों ने केवल महल के बाहर ही नहीं अपितु आसपास के समूचे क्षेत्र में बड़ी ही सूक्ष्मता से छानबीन की। किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर संभावित शत्रु के महल में आने का कोई संकेत नहीं मिला हमें। किंतु बंदूक जैसा नवीन और असाधारण हथियार इस महल के अंदर आया कैसे, और वो भी हमारे भाई जगमाल के कक्ष में? मान, क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? दादा भाई, हम भाई जगमाल से प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको सच नहीं बता सकते। पता, आपको जो करना है आप कीजिए, किंतु पता लगाइए कि बंदूक जैसा हथियार इस महल के अंदर आया कैसे। हमारी सलाह है कि आपको जिससे भी जो कुछ पूछना हो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, फिर चाहे वो जो कोई भी हो। शीघ्र पता लगाइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारी रानी मां पर गोली चलाई। हुकुम। अजब थे, अब कैसी है हमारी रानी मां? ठीक है ना? ये वो गोली है जो छोटी मां के कंधे पे लगी थी। सौभाग्य से उनका हृदय बच गया है, उनके शरीर से बहुत रक्त भी बह चुका है। वैद्य जी ने कहा है कि इस समय कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वैद्य जी जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हम जानते हैं हमारी रानी मां को कुछ नहीं होगा। अब रानी मां नहीं बचेगी ना, हमें छोड़ के जा रही है ना, हमेशा हमेशा के लिए। आप इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? भैजी ने अभी हार नहीं मानी है, वे प्रयास कर रहे हैं ना। अब साहस रखिए, हम अभी आते हैं। चलिए। मां तो समझो गई, यदि आपको जीवित रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? मरना नहीं चाहते कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। सौगंध है आपकी रानी मां, जिसने भी आप पर यह कायरतापूर्ण आक्रमण किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। वो हमसे बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाताल लोक में भी हो, हम उसे वहां से निकाल कर लाएंगे। ये वचन है आपसे रानी मां, आपके पुत्र का। चेतक इस समय हमें क्यों बुला रहा है? क्या बात हो सकती है? चेतक बात क्या है? आपने हमें इस समय क्यों बुलाया? रानी मां बहुत अस्वस्थ है, और सबसे पूर्व हमें यह पता लगाना है कि यह कायरतापूर्ण कार्य महल में किया किसने। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हमें इस समय पेड़ पौधे दिखाने के लिए लाए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं हमसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बंदूक यहां कैसे आई? बंदूक यहां कैसे आई? अगर ये बंदूक महल में छिपाई गई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कार्य किसी अंदर वाले ने किया है। प्रश्न ये उठता है कि किसी ने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? चेतक, यदि मान जानती थी कि रानी मां को गोली लगी है तो उसने उनकी सहायता क्यों नहीं की? और मान को कैसे पता चला कि इस हथियार को बंदूक कहते हैं? इसका अस्तित्व सेना के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसके बारे में से किसी और ने भी कुछ कहा था। कौन था वो? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज शोर सुना दादा भाई, तब सब यही छुपके बैठे। इस बंदूक के बारे में तो और सिर्फ जगमाल ही जानते थे। शांत चेतक, रानी मां विश्राम कर रही हैं। हमें शांतिपूर्वक पता लगाना होगा कि यहां चल क्या रहा है। मान को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे उन्होंने रानी मां को स्थिति में पहली बार ना देखा हो, जैसे वो पहले उन्हें देख चुकी हो। क्या हुआ मान, बात क्या है? कुछ दादा भाई, रानी मां को गोली लगी, ये कहने में वो इतना समय क्यों लगा रही थी? मानो उन्हें कुछ पता हो किंतु वे छिपा रही हो। पर ऐसा क्या था कि जानने के बाद भी वे हमसे छिपा रही थी? मान! 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 इस स्थान पर हमें कुछ लगा था, पर क्या लगा था? और जगमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अभी हमने एक बहुत तेज शोर सुना दादा भाई, तब सब यही छुपके बैठे। हमें बहुत डर लग रहा है दादा भाई। अच्छा ठीक है, आप यही रुके, हम बाजीराज को देखकर आते हैं। यही रहिए आप सुरक्षित हैं। जगमाल को कैसे पता चला कि जो तीव्र स्वर था वो गोली का स्वर था? उसने ये बंदूक छिपाई? क्या वे जगमाल थे चेतक? जगमाल है वे, जिन्होंने हमारी रानी मां को गोली मारी। ताला चुपचाप यहां पड़े रहो, समझे? अरे अरे क्या कर रहे? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा अनाज क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अरे मेरा अपराध तो बताइए पहले। अरे क्या कर रहे? अरे मत कीजिए, सुनिए मेरी बात। अरे क्यों बर्बाद कर रहे हैं हमारी दुकान को? मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। अरे मत कीजिए ऐसे। ये यहाँ कैसे है? ये मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? हमने पूछा किसे बेची तुमने अंतिम बंदूक? किसी को नहीं, किसी को नहीं। हाँ तो फिर ये बंदूकें कहाँ से आई? यहाँ मुझे स्वयं को नहीं पता कि ये बंदूकें यहाँ कैसे आई। तुम्हारी खाल उधेड़ने में हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। सीधी तरह से बताते हो या नहीं बताओगे ना? तुम नहीं बताओगे ना तो ठीक है, अब हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे जिनके आगे बड़े बड़े अपना मुंह खोल देते हैं और सच भी पानी की तरह बहने लग जाता है। चलो कुंवर जगमाल को हमारी आवश्यकता है। कुंवर प्रताप हम मरना नहीं चाहते। कुंवर प्रताप हमें बचा लीजिए। कहीं वही तो नहीं जिनके बारे में सोच रहा था? हाँ, ये वही है। और अब इनके सामने सब कुछ सच सच बोल देना, नहीं तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। क्षमा श्रीमान, क्षमा क्षमा। कुंवर प्रताप ये वो है जिस... मैं करा विक्रेता हूँ छोटा सा श्रीमान। क्या ये बंदूक आपकी है? किसे बेची आपने इसे? आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। ये व्यक्ति हमें मेवाड़ में दिखना नहीं चाहिए। दादा भाई रानी माँ को क्या हो गया? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई तब से हम यही छुपके बैठे। धन्यवाद। जगमाल! नहीं भगवान, लगता है दादा भाई को पता चल गया। जगमाल! 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 नहीं दादा भाई, मान मान मान, कक्ष के द्वार बंद कर दो मान, बाहर से ताला लगा दो। हम मरदा नहीं चाहते मान, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लीजिए, हम मरदा नहीं चाहते मान। जगमाल! दादा भाई, कक्ष का ही द्वार भी आपको अब नहीं बचा सकता, तो हमें कहीं शीघ्र ही छुपा दीजिए मान, नहीं तो दादा भाई हमें मार डालेंगे, और हम मरना नहीं चाहते मान, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए मान, हम मरना नहीं चाहते। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब आपके लिए बचने का एक ही साथ, चलिए हमारे साथ, चलिए। नहीं मान, हम कह रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ। दादा भाई हमें देख लेंगे मान, नहीं मान, दादा भाई हमें ढूंढना मान, अब शीघ्र ही कक्ष में चले जाओ। जगमाल, आपको इस समय इस कक्ष में नहीं जाना चाहिए, छोटी माँ विश्राम कर रही है। अरे हमें रानी माँ की चिंता नहीं है, हमें हमारी चिंता पड़ी। जगमाल! ये आप क्या से? जगमाल! ओ जगमाल, कुछ नहीं होगा आपको, हमें तो कुछ नहीं होगा। जगमाल! दादा भाई, दादा भाई, दादा भाई, कौन कहाँ है वो? हम हमारी बात कहाँ है वो? दादा भाई, कहाँ है वो? उसी कक्ष में जाना। बस आ जाते, अब कुछ नहीं। रानी माँ में बचा लीजिए, रानी माँ। कुछ नहीं होगा, आप यही छुपे रहे, यही छुपे रहे। प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, हमने कुछ नहीं किया था तुम्हें, हमने कुछ नहीं किया था तुम्हें। रानी माँ, मत कब बोलिए ना, दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया था तुम्हें, दादा भाई कुछ जमा कर दीजिए दादा भाई। रानी माँ, रानी माँ कुछ बोलिए ना दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। तुम इसी बंदूक से हमारी रानी माँ को मारा। नहीं दादा भाई, हमने नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए दादा भाई, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया दादा भाई, हमारा विश्वास दादा भाई। दोनों ने कुछ नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं प्रताप, प्रताप, उन्होंने कुछ नहीं किया कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, नहीं दादा भाई। बाहर ले जाइए कुंवर प्रताप के पास। सीमा, आप इस समय बहुत निर्बल है, आप नहीं खा सकती। हमने कहा हमें बाहर ले जाइए, अभी ले जाइए। नहीं, नहीं कुंवर जगमाल। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। नहीं दादा भाई, हम तो आपके प्रिय छोटे भाई हैं दादा भाई। नहीं दादा भाई, नहीं दादा भाई, हम जीवन भर आपके चरणों में रहेंगे दादा भाई। हमें क्षमा कर दीजिए दादा भाई। अब मत मारो रानी माँ, ये क्या कर रही हो? ऐसा पाप हमसे मत करवाइए। नहीं माँ, याद है मान, हमने आपसे एक बार कहा था कि मां सिर्फ प्राण देना जानती है, लेना नहीं। आज आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। एक बेटे ने बहुत ही क्रूरता से अपनी मां की छाती पर गोली मारी, और जब बेटे को चोट लगी तो मां का हृदय कराने लगा। अपनी असहनीय भीषण पीड़ा को भुलाकर आ गई बेटे को बचाने। हाँ दादा भाई, हमारी माँ भी आपके बताए आदर्शों वाली माँ ही है, किंतु केवल अपने बेटे के लिए, आपके लिए नहीं। नहीं, 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 नहीं। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है आपको। भाग जाइए। तब से खड़े खड़े देख रही थी, पहले आने नहीं हुआ, मार मार के हड्डियां तोड़ दी हमारी, और अब तो कोई वैद्य चिकित्सा भी नहीं करेगा ना हमारी, क्योंकि उनके शहीद कुंवर प्रताप ने जो मारा है हमें। हो गया पूरा आपका बदला, अब दूर हो जाइए हमारी दृष्टि से, मुख भी नहीं देखना चाहते हम आपका। हमने कहा जाइए, नहीं आना है। आप अपने दादा भाई के पास रहे, बिना दिखावे दादा भाई अकेला छोड़ दीजिए हमें। मना नहीं चाहते कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, रानी माँ बहुत सबल और सहनशील है। वे बच जाएगी इस संकट से। हो गए हम पागल पागल, लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने हमें पागल बनाया सपने दिखा के। आगे आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं। एक पति के पांव की जूती। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छा, हमारे सपनों के साथ। छोटी माँ, आप कक्ष के बाहर क्यों आई? बैजी ने आपसे विश्राम करने के लिए कहा है ना। दासी, कोई है? दास, क्या कुछ नहीं किया हमने जगमाल के लिए। इतने बलिदान, इतने त्याग, इतना स्नेह किया, अपने आप से अधिक प्रेम किया। आप जानते हैं छोटी माँ? कुछ नहीं जानती आप, कुछ भी नहीं जानती आप। रात भर जगे, रात भर उनकी चिंता की है। आप नहीं जान सकते क्या कुछ किया है हमने जगमाल के लिए। आज हमने हमारे जगमाल के लिए खीर बनाई। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? छोटा अपनी रानी माँ के लिए। जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। उनके लिए वो सब किया जो पूरी दुनिया में कोई माँ अपनी संतान के लिए नहीं करेगी। इतनी महत्वाकांक्षाएं बुनी उनके, इतने सारे अकल्पनीय सपने दिखाए उनको, यहाँ तक कि कुंवर प्रताप को भी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप? छोटी माँ, क्या किया आपने कुंवर प्रताप के संग? छोटी माँ,